मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है। शिव भक्तों की आगे प्रशासन फेल। सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा एक बार फिर जाम कथा में बदल गई। करीब एक साल पहले भी इंदौर भोपाल हाईवे पर 40 किलोमीटर जाम लगने के बाद रुद्राक्ष वितरण को बंद करना पड़ा था। पिछली गलती से सीख नहीं लेने का नतीजा यह हुआ कि इस बार गुरुवार को फिर महोत्सव के पहले दिन महादेव धाम पर व्यवस्था बिगड़ गई। 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंच जाने से कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति बनने लगी। भोपाल इंदौर हाईवे पर करीब 27 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रुद्राक्ष लेने कतार में लगी महाराष्ट्र की एक महिला की मौत हो गई। 6 महिलाएं एक बच्चे के लापता होने की खबर है। अव्यवस्था के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर दौरा रद्द कर दिया। जाम में फंसे वाहन रेंग रेंग कर चल रहे थे। 3 किलोमीटर का रास्ता 9 घंटे में पार कर रहे थे। देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। यहां पर इतनी भीड़ हो गई कि लोग गर्मी से परेशान हुए। उपचार केंद्रों पर बुधवार रात से गुरुवार तक 2500 व्यक्तियों ने दवा ली। इनमें बुखार, घबराहट और बीपी के मरीज थे। यहां पर शिव पुराण कथा 16 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगी। सीहोर से योगेश दुबे के साथ संदीप सुमन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।